हरियाणा में बीजेपी कठिन चुनौती का सामना कर रही है। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब पार्टी की कोशिश तीसरी बार सत्ता में आने की है। बीजेपी बखूबी जानती है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आना कठिन होता है, खासतौर से तब जबकि विपक्षी कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। इसके लिए बीजेपी की उम्मीदें सत्ता विरोधी वोटों के बिखराव पर टिकी हैं। पार्टी चाहती है कि सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा ठीक वैसे ही हो जैसे गोवा में हुआ था, क्योंकि गोवा में भी बीजेपी ने हैट्रिक लगाई थी, उसके विरोधी वोटों का बिखराव हो गया था। दूसरी ओर बीजेपी के इस खेल को कांग्रेस ने बखूबी भांप लिया है और पार्टी सतर्क हो गई है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीएम के साथ गठबंधन की चर्चा को वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस इस रणनीति में जुट गई है। पहले जानते हैं गोवा में क्या हुआ था जिसका बीजेपी को सीधा फायदा मिला। गोवा में आम आदमी पार्टी और पहली बार गोवा के चुनाव मैदान में उतरकर तृणमूल कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था, जिसके चलते कांग्रेस को नुकसान पहुंचा था। गोवा में 2022 में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस की जीती हुई बाजी हार में तब्दील हो गई। आम आदमी पार्टी को 6.77% और रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी को 9.21% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर और रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं टीएमसी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन किया। टीएमसी को 5.21% वोट और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 7.6% वोट मिला था। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन टीएमसी का वोट शेयर 7.6 रहने के बाद भी कोई सीट नहीं हासिल कर सकी थी। अब आइए जानते हैं गोवा में क्या था कांग्रेस का हाल। उधर कांग्रेस को 23.46% और गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1.84% वोट मिले और कांग्रेस 11 सीटें और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 सीट मिली। कांग्रेस गठबंधन की तुलना में 3.1% वोट शेयर का नुकसान हुआ। 2017 की तुलना में 2022 में कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटों का नुकसान हुआ था। 2017 में कांग्रेस को 16 सीटें और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 2 सीटें मिली थी। अब जानते हैं बीजेपी गोवा में कितनी मजबूत। गोवा चुनाव में बीजेपी को 33.31% वोट और 20 सीटें मिली थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर गोवा में कांग्रेस, आप और टीएमसी का गठबंधन हो जाता है तो परिणाम अलग होता। गोवा में किसी तरह विपक्षी वोट के बिखराव के बाद बीजेपी को 20 सीटें मिली। गोवा के इतिहास में बीजेपी को कभी इतनी सीटें नहीं मिली थी। हरियाणा में बीजेपी की नजरें खासतौर से विपक्ष के 2 गठबंधनों पर लगी हैं। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी काशीराम से तालमेल हुआ है, तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला की INLD का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, जबकि इनका असर 35 सीटों पर है। जाट और दलित नेतृत्व का साथ आना हरियाणा की राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में दलितों के लिए आरक्षित 2 सीटों मसलन अंबाला और सिरसा पर हार मिली। कुमारी शैलजा के उभार से दलित कांग्रेस को गंभीरता से लेने लगे हैं। इसी में काट के लिए चंद्रशेखर और मायावती दोनों सक्रिय हैं। समझौते के तहत JJP चंद्रशेखर की पार्टी को 20 सीटें दी जाएंगी, जबकि बाकी 17 पर JNJP चुनाव लड़ेगी।